हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूं आप लोग इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वन रक्षक के लिए 902 पदों की वैकेंसी, ये वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा। दोस्तों, यहां पे देखिए 902 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है, यानी कि एक महीना से आज 2 जनवरी है और ये फॉर्म आप 31 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल आपको दूंगा, जो भी डॉट हो सारा क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहेगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वैकेंसी के अपडेट आपको मिलते रहे। यहाँ देखिए कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आपको देखने की मिले, यानी कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए 451 पोस्ट है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 145 है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 पोस्ट है, ईबीसी के लिए 162 है और बीसी के लिए यहाँ पे देखिए 108 है, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए ओबीसी महिलाओं के लिए 27 है। टोटल मिलाकर 902 पोस्ट है। अब मैं कैटेगरी वाइज मैं आपको वैकेंसी बता दिया हूँ और इस वैकेंसी के लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना चाहिए पूरी डिटेल मैं दूंगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो चलिए मैं नीचे लेके चलता हूँ और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। अभ्यर्थी की उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नत, आपका उम्र जो है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। छूट के हिसाब से यहाँ पे जो गवर्नमेंट का छूट है, बिहार एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और मैक्सिमम दिया है 25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पीडीएफ में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, छूट जो क्राइटेरिया होता है वो भी दिया है। यहाँ 5 वर्ष की छूट दी जाएगी SC ST वालों के लिए, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए दिव्यांग के लिए, सॉरी दोस्तों, दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष दिया है। उसके बाद आपका एग्जाम कैसे होगा और फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, यहाँ देखिए ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है, फिजिकल क्या क्या रहना चाहिए, न्यूनतम हाइट या 160 मीटर SC ST जातियों के लिए। उसके बाद अन्य के लिए 165 यानी कि OBC और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर और न्यूनतम सीना जो है विदाउट एक्सपेंशन आपको 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 81 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको चलना भी होगा, पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना होगा और उसके अदर कैटेगरी के 4 घंटे में 25 किलोमीटर यानी कि दोनों के लिए सेम दिया हुआ है। उसके बाद वुमेन कैटेगरी का भी अलग से इसमें दिया हुआ है, जैसे न्यूनतम हाइट यहाँ पे देखिए वुमेन कैटेगरी के लिए SC ST वालों के लिए 155 सेंटीमीटर है और अदर यानी OBC जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद पैदल चलने के लिए वुमेन की बात करें 4 घंटे में 14 किलोमीटर और 4 घंटे में 14 किलोमीटर यानी कि दोनों के लिए सेम है। उसके बाद प्रोसेस क्या है, इसका चयन का प्रोसेस मैं बता दूँ, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें सबसे पहले आपको आवेदन ऑनलाइन करिए, उसके बाद जिसका आवेदन सही होगा उसको स्क्रीन किया जाएगा, उसके बाद इसका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन में आपको 2 घंटे की एग्जाम होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, में नेगेटिव क्वेश्चन भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट स्तर का होगा, आपका जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है उससे लेवल का आपको एग्जाम इसमें होगा। विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे, विज्ञान का जो आपको क्वेश्चन आएगा वो मैट्रिक तक आएगा, मैट्रिक से नीचे। उसके बाद प्रश्न पत्र आपको देखिए 1/3 इसमें नेगेटिव भी है, तो आप ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव भी दिया गया 1/3 यानी कि 3 गलती करिएगा तो आपको 1 मार्क कट जाएगा। उसके बाद इसका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा यानी कि OMR पे आपको इसका एग्जाम देना होगा। उसके बाद और मैं इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है, अगर मैं एक एक बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पढ़ के उसके बाद ही ऑनलाइन करें। चलिए मैं आपको ऑनलाइन का प्रोसेस बताता हूँ, इस वीडियो के नीचे जाइएगा तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन है, ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैं आप इसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे उसको क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह का कोई इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाई फॉर द किस पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ देखिए आप बिहार के या अदर स्टेट के हैं, सबसे पहले आप अपना अदर डोमिसिल चुन लीजिए, अगर बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपने राज्य सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अदर अगर रहते तो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अदर सेलेक्ट करिएगा तो बिहार में इंडिया में जो भी जितने सारे स्टेट हैं सारा स्टेट आ गया। उसके बाद चलिए मैं बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करते हैं, बिहार में 38 यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिस्ट आ गया, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका जहानाबाद है जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, ABC है या जनरल है, BC है, SC ST है, जो भी कैटेगरी के हैं आप बिलोंग करते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए जनरल। उसके बाद अगर अदर कास्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र संख्या देना होगा यानी कि सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगना है पूरी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सब नीचे में जाइए और ये कैप्चा कोड देखिए,
ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला पिन यहाँ पे आपको डालना होगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप आप इसी तरह से भरिएगा, फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर अपलोड करना, इस तरह से आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, हम आपके कमेंट का सलूशन जरूर देंगे, आपके रिप्लाई जरूर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट में आने वाले वैकेंसी का अपडेट आपको मिलते रहती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।